अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. सो आई होप आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा विच आई हैव पुट रिसेंटली ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. सो पिछले टाइम आई हैड पुट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको लॉ ऑफ डीएमयू भी बोला जाता है. टुडे वील बी लर्निंग अबाउट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू कैन से लिटरली of micro economics basically, जिसको बोला जाता है law of demand. So today class we'll be covering chapter 3A economics of class 12th, the topic law of demand. So let's begin with the topic. Now to explain the law, the following things are essential. Content, correct, you heard me right. So let's see what is the content. A, introduction. B, statement of the law. 3, table and diagram. 4, assumptions of the law. And 5, exceptions or limitations of the law. So this combination of 5 things together put makes the law complete. So hum ek ek karke step by step we'll be completing as we did in our previous लॉ एज वेल. तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया बच्चे लोग, 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म करने का कि लॉ किस बारे में है और किसने दिया है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. तो एज यू नो द माइक्रो इकोनॉमिक्स, वट एवर लॉस वी आर कवरिंग रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर ऑल गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. तो भले वो लॉ ऑफ डीएमयू हो, लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, all the microeconomic laws are given by a single person in detail, that is Dr. Alfred Marshall, in his book Principles of Economics, written in 1890. Ab law of demand kaun karta hai? Hum jaise consumers. To basically consumers kya demand karte hain? Commodity, cheeze. Aur jab aap demand karoge to wo bikengi, to price se related hoga. So basically the law explains functional relationship between quantity demanded and price of a commodity. मतलब ये law क्या समझाता है? जो चीजें आप demand कर रहे हो और उसका price में एक ही चीज, law हमेशा एक ही चीज assume करके चलता है और बाकी सारी चीजें क्या रहती है? Constant, remains the same. ये हमेशा याद रखना. So the law explains functional relationship between quantity demanded and price of a commodity. हो गया आपका introduction खत्म. अब आते हैं statement of the law. तो जैसे मैंने आपको बोला था, it should be ditto. आप अपने words में ठोका ठाकी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. And micro के mostly सारे laws ये 5 words से शुरू होते हैं. Other things remaining the same. या other things being equal. अब law of demand क्या बोलता है? सुनो, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. मतलब जितना ज्यादा price, उतनी कम demand. And इसका उल्टा, lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. तो क्या अपन बोल सकते हैं एक seesaw है, एक जन ऊपर जाता है तो एक को नीचे आना पड़ेगा, फिर वापस ये वाला बंदा नीचे आता है तो ये ऊपर चला जाएगा. सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ऊपर नीचे जाता है, इनवर्स है ना, एक ऊपर तो एक नीचे, करेक्ट. तो अभी एक साथ पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. So, इससे तुम्हें क्या पता चला? There is an inverse relationship between quantity demanded and price of a commodity. बोला ना, सीसॉ जैसा है. There exists a functional relationship between demand and price of the commodity. तो वो सिंबॉलिकली अगर मैं मैथमेटिकली तुमको बोलू, एक्सप्रेस करो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? D of x is equal to f bracket open P of x. और मैथमेटिकली इसको कैसे पढ़ते हैं? डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. सो वेयर डी इज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, एक्स है वो कमोडिटी, एफ है फंक्शन ऑफ, और पी ऑफ एक्स है प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
सो आया समझ में क्लास, क्या है लॉ ऑफ डिमांड का मेन मुद्दा, बाकी सारी चीजें, अब वो बाकी सारी चीजें हैं क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जिस वजह से डिमांड बढ़ेगा कब, जब प्राइस कम होगी, और डिमांड घटेगी कब, जब प्राइस बढ़ेगी। तो इसको समझाने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट अ टेबल। तो अपन एक टेबल तैयार करते हैं। टेबल में एक तरफ लिखे है प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड दूसरी तरफ लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन केजीस। तो यहाँ पे अपन वीट, गेहूं की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, जब गेहूं का प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी 1 किलो ही डिमांड हो रही थी। जैसे जैसे प्राइस गिरना शुरू हुआ, 10 से 8 किलोस बढ़ने लगे, 1 का 2 हो गया। सिमिलरली गिरते गिरते जब प्राइस हुआ 2 रुपए, तो सीधा देखो कितना किलोस डिमांड हुआ, 5 किलो। सब सेम चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे, 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करके खत्म करने का। सो इट कैन बी सीन दैट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्लेन। When the price is 10 rupees, only 1 kg of wheat is purchased. And as the price falls to 4 rupees, say 2 rupees, then the quantity of wheat, sorry, the rice likha hai, is increased from 3 kilos to 5 kilos respectively. So, yahan pe, sorry for this mistake, wheat aana chahiye. Uske alawa, did you all follow? Shortcut mein kya likhne ka? ये टेबल ये बता रहा है, जब प्राइस इतना था तब डिमांड इतना था, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रहा है। आप लोग उल्टा भी बता सकते हो, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रहा है। सो इट इज अप टू यू ऑल हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द टेबल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द डायग्राम, तो इसी सेम चीज को हम प्लॉट करेंगे डायग्राम में। ओके, सो व्हेन वी प्लॉट इट ऑन अ डायग्राम, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। So as you know, I have explained you all pichle time bhi how to make a graph. X or Y axis bana lo, then with the help of scale, start plotting as per the table. To aapne 10 rupay ke saamne 1 ke idhar 1 dot dala, 8 ke saamne 2 ke saamne 1 dot dala, 6 ke saamne jab 3 kilo gehu demand ho raha tha to aapne wahan pe dot dala. इस तरीके से यू आर पुटिंग अ डॉट एंड देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल यू आर जॉइनिंग इट। एंड एज यू कैन सी द एरो, एरो इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आप ये जो लाइन है उसको नाम दे दोगे डी डी। सो डी डी का मतलब है इट स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व। सो फट से देख लेते हैं हाउ टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। सो ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड इज शोन एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस इन रुपीज इज शोन। DD is the demand curve which slopes downwards from left to right, showing that there is inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. इसका मतलब है जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी घटती है। So I hope the first 3 things are clear to your class: introduction, statement of the law, table and diagram. अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है अजम्पशंस। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था ना, वी आर अज्यूमिंग प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब ये बाकी सारी चीजें है क्या, देखते हैं। सो द स्मार्ट कोड फॉर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सा है। तो अजम्पशंस चालू होता है एनसीआई से। What is NCI? No change in. So NCI का मतलब है no change in. So this is the smart code. आपको हर वर्ड के आगे लॉ ऑफ डिमांड में खाली ये लगा देना है NCI. No change in. अभी देखते हैं किसमें changes नहीं होना चाहिए। Point number 1. No change in size of population. अपनी देश की जनसंख्या में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सो इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एनी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो लॉ बोलता है कि कोई भी कंट्री के पॉपुलेशन में, लोगों में, जनसंख्या में बदलाव नहीं आना चाहिए। So there should be no change in the size of population. The size of population remains
कॉन्स्टेंट। अभी इसी से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। सो इट इज अस्यूम दैट कंज्यूमर का टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, आदतें, फैशन एक्सेट्रा सब में बदलाव नहीं आए। एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड, है कि नहीं? तो अगर कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो गई, और भले तुम उसको सस्ते में भी बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा। सो डिमांड अफेक्ट हुआ कि नहीं? सो इसीलिए डिमांड को अफेक्ट होने के लिए एक ही चीज को बदला जा सकता है, वो है प्राइस एज पर लॉ ऑफ डिमांड। बाकी सारी चीजें क्या रहनी चाहिए? कॉन्स्टेंट। सो आ गया समझ में फर्स्ट टू, नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड एंड कंटिन्यूइंग अजम्पशंस ही। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, गाना सुनाया ना? एक बात मुझे बतला दे तू, उस रब से क्यों नहीं डरती है। पे अपना सपना, मनी 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 मनी, अपना सपना, मनी मनी, करेक्ट। तो ये दो गानों में जो बोला है वो अपना नेक्स्ट अजम्पशन है। देयर शुड बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, पैसा। If the law of demand has to be true, then the consumer's income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at a given price. Paisa hai, to kamayenge, udayenge. Jitna zyada paisa badhega, demand bhi badhegi. To law of demand valid nahi mana jayega. So there it is assumed that the level of income of the people remains constant. आया समझ में? ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ अजम्पशन। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? टूथपेस्ट, टूथब्रश, कार में पेट्रोल या डीजल डल रहा है, कुछ याद आया बच्चे लोग? कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ गुड्स आर दीस? अगर टूथपेस्ट लिया तो ब्रश भी लेना पड़ेगा, अगर कार ली तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक चीज खरीद रहे तो कंपलसरी दूसरी भी लेनी पड़ेगी। सो ऐसे गुड्स जो एक के साथ एक लेने पड़ते हैं, मोबाइल लिया तो चार्जर लेना पड़ेगा, दे आर कॉल्ड एज कौन से गुड्स? जॉइंट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अपना नेक्स्ट अजम्पशन बोलता है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट, या देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों भाई? टूथपेस्ट के प्राइस ऊपर नीचे होने से ब्रश की डिमांड पे फर्क पड़ेगा ना भाई? सिमिलरली पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो लोग कार कम चलाना प्रेफर करेंगे, जब चलाएंगे ही नहीं तो डिमांड कहां से होगी? सो दैट इज व्हाई इट इज अज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर, करेक्ट? का ऑपोजिट अब दूसरे टाइप के गुड्स होते हैं, देखना जरा। कोका कोला और थम्स अप दोनों एक साथ नहीं बोल सकते ना, बंदे को दोनों पी ले, दोनों में से कुछ एक लेगा। चाय कॉफी कोई साथ में तो नहीं पीता है, या तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस दुनिया का इंसान दोनों चीजें साथ में लेता होगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन है और टी और कॉफी, कोका कोला और थम्स अप, तो कैन आई से are the substitute goods. So next is the prices of substitute goods should remain constant, because any change in the price of the substitute will affect the demand for the commodity. Hai ke nahi? Chai mehengi ho gayi to log chai peena chhod denge, coffee shuru kar denge. Coffee agar mehengi hai to log peena chhod ke uski demand kam kar denge, and they'll prefer tea over coffee. Hai ke nahi? Cutting wagera. So these are the assumptions related. तो price को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए? Constant. Okay? Moving forward and continuing with the topic. Next assumption. No change in the taxation policy. Now recently government ने पूरा tax system ही बदल दिया है, GST आ गया, आप लोगों को पता होगा अभी।
So taxation policy of the government has greater impact on the demand for various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. Next, इसी से जुड़ा हुआ point, there should be no expectations about future changes in the prices. So it is assumed that consumers do not expect any further change in the price of the goods in the near future. If they are expecting a rise in the prices in future, they may demand more in the present, even at existing higher prices. है ना? So अगर लोग assume कर रहे हैं आगे चल के और महंगा होने वाला है, तो आज ही जरा सा महंगा हुआ नहीं कि public और demand करेगी. So we are assuming that future expectations should remain constant. लोगों को कोई future expectations नहीं करनी चाहिए. So with this, assumptions come to an end. तो हमने क्या क्या देखा? Price के अलावा कौन कौन सी चीजें constant होनी चाहिए? Size of the population, taste, habit, preference of the consumer, their income level, prices of complementary goods, prices of substitute goods, no change in the taxation policy of the government, and future expectation. In sare cases mein, aapka law of demand will be sloping downwards from left to right. Lekin assumptions hai, to exceptions hai, jaise isk hai, to risk hai. Common dialogue from ongoing web series. All right. So exceptions or limitations का मतलब है इस cases में आपका demand curve उल्टा जाएगा. कहाँ पे? Upward direction. माने कि price बढ़ा, demand बढ़ी. Price कम हुआ, demand भी कम हुई. तो same direction में, मतलब law का उल्टा. इसीलिए उसको बोला जाता है exceptions. So देखते हैं कौन कौन से cases में ऐसा हो सकता है. So the very first exception which you come across is ये क्या है? Bread का टुकड़ा. अच्छा, और क्या हुआ उसके साथ? एक बंदा था इंग्लैंड में, उसने ऑब्जर्व किया कि जब ब्रेड सबसे सस्ती थी तभी के टाइम पे, ब्रेड, पाव, बन, है ना, ये सब बहुत सस्ते थे. तो उसने देखा जब प्राइस कम हुआ ब्रेड का, तो लोगों ने और ब्रेड डिमांड नहीं करी. जब ब्रेड का भाव और कम होने लगा, तो इंस्टेड पीपल स्टार्टेड प्रेफरिंग सुपीरियर गुड्स और थोड़े एडवांस्ड गुड, मीट खरीदना शुरू किया. बिकॉज इंग्लैंड के लोगों के हिसाब से ब्रेड वॉज एन इंफीरियर गुड, बिकॉज बहुत सस्ते में अवेलेबल हो ही रही थी. सो जैसे ही उसका प्राइस गिरने लगा, लॉ बोलता है डिमांड बढ़ेगी. बट इसमें डिमांड बढ़ी, लेकिन किसकी? ब्रेड की नहीं, मीट की. बिकॉज पीपल प्रेफर्ड मोर सुपीरियर गुड्स देन इंफीरियर गुड्स. तो इस लॉ को जिसने ऑब्जर्व किया, उस बंदे का नाम था सर रॉबर्ट गिफिन. तो सबसे पहला एक्सेप्शन ऑफ द लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज गिफिन्स पैराडॉक्स. गिफिन्स पैराडॉक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे लॉ फॉलो नहीं होता. अगर प्राइस गिरा तो डिमांड भी गिरेगी, लॉ के अगेंस्ट जाता है, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं. इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन व्हेन देयर प्राइसेस फॉल. एट टाइम्स द डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल. This behavior was observed by Sir Robert Giffen in England in relation to bread. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more of it because of an increase in their real income or purchasing power. तो अभी जो पैसे उनके बच रहे थे, मान लो 3 रुपए की ब्रेड मिल रही थी, अब वो 1 रुपए हो गई, तो भी वो लोग ब्रेड नहीं खरीद रहे. Instead, they started buying superior goods like meat. जो भी उनका भी इनकम बच रहा था, जहां 1 रुपए खर्च हो रहा था, जहां 3 रुपए वो खर्च कर रहे थे, वहां उनको 1 ही रुपए खर्च करना था. तो वो जो 2 रुपए का बढ़ोतरी हुआ, उन्होंने उसको किस में खरीदने में डाला? मीट में, रादर देन बाइंग मोर ऑफ ब्रेड. तो इस केस में आपका डिमांड कर्व किधर जाएगा? इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. सो आई होप यू ऑल फॉलोड. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. अब जरा देखिए ये सब क्या है. हीरे,
गाड़ियां, मर्सिडीज, बिग बिग बंगलोस, ये सारे स्टेटस सिंबल है, प्रेस्टीजियस गुड्स है. सो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा, स्टेटस सिंबल, ये कभी सस्ते नहीं होंगे, ये हमेशा महंगे रहेंगे. लेकिन है ना दुनिया में जो ये चीजें डिमांड करते हैं, ऐसे भी लोग हैं. सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई. उन्हें फर्क नहीं पड़ता करोड़ों का हो या लाखों का, उनके लिए तो चिंदी है ना. दे विल ऑलवेज डिमांड बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. सो इन दिस केसेस प्राइस हाई, डिमांड इज ऑल्सो हाई. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन और लिमिटेशन. जरा देखना, काफी लोग इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, मैं देख सकती हूँ यहां से. ऑल राइट, आदत से मजबूर, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर. सो हैबिचुअल गुड्स, ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इज परचेस्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस. The same I can say for alcohol. Many of you all must be aware of these brands. They are very costly, right? Another example I've mentioned over here, the internet packages or the recharge packages. Even if they are costlier, खाने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन recharge करवाने के बराबर पैसे होते. क्यों? Internet की आदत जो लग गई है अभी. So, रिचार्ज कराने का पैकेज होगा, भले वो पोस्टपेड हो, प्रीपेड हो या महंगा हो. आज कोई, हर कोई, इंटरनेट तो चाहिए ही भाई. एंड थैंक्स टू कोरोना अब तो ये नेसेसिटी हो गया है ना. दिस इज अनदर व्यू पॉइंट इफ यू कैन सी, कि भले प्राइसेस हाई है, पीपल क्यों डिमांड कर रहे हैं. एक तो जरूरत हो गई है और एक आदत. ओके So in all these cases, law valid ही नहीं है, because सब उल्टा हो जाता है. Price illusion, भ्रम, लोगों का भ्रम है ना, सस्ती चीज है, अरे टिकेगी नहीं, भले 10 पैसा एक्स्ट्रा डालो, 10 रुपए एक्स्ट्रा डालो, थोड़ी चीज महंगी होगी तो और ज्यादा अच्छी चलेगी. This is what is the intention, ये लोगों का भ्रम है. So consumers have an illusion that high priced goods are of better quality. Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. For example, branded products, है ना, brand वाले जो products होते हैं, भले महंगे क्यों ना, अपने को लगता है अरे नाम है, quality है, वो सोच के अपन महंगे भी होते तो भी buy करते हैं. So branded products which are expensive are demanded even at a high price. इसी से जुड़ा हुआ दूसरा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, इग्नोरेंस. तुम्हें पता ही नहीं था इस बारे में. समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस. सो इट इज एज गुड एज, मान लो तुम्हें अपने एरिया में पता है कि यहाँ से स्टेशन जाने तक का कितना पैसा होता है. यही कोई बाहर वाला आ जाए या दूसरे बॉम्बे साइड से अपने इधर आ जाए तो उसको लू पटाते, इनको पता लग जाता है नया ग्राहक है तो लूटते हैं. Because they are ignorant, they are unaware कि भाई ऐसा ऐसा price होता है. Now we normal people, when we go to Linking Road या Fashion Street, अपने को पता है 100 रुपए का माल है. They will tell 300-500 रुपए. When we don't buy, then they call ना, अरे मैडम लेके जाओ, ले लो 100 रुपए में ले लो, 50 में ले लो. But the same products, when the foreigners come and visit, they sell those same products at a very high price. सेम अपने साथ भी होते हैं जब हम बाहर के कंट्रीज में जाते हैं. समटाइम्स वी आर इग्नोरेंट कि एग्जैक्टली वो किस प्राइस पे मिलता है. सो वी इग्नोरेंटली अनजाने में महंगी चीज पे खरीद लेते हैं. सो दिस मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस. सो इस वजह से भी प्राइस हाई तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. Coming to the next important topic, speculation. Speculation मतलब अंदाजा लगाना. अगर लग रहा है future में और price बढ़ने वाला है तो आज जरा भी price बढ़ा तो भी तुम खरीद लोगे, पता है ना आगे चल के और महंगा होने वाला है. So the law of demand does not hold true when people expect prices to rise still further. So, मतलब मान लो अभी 8 बजे नरेंद्र मोदी जी आए एंड सडनली ही अनाउंसेस कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल और महंगा हो जाएगा,
तो आज भले पेट्रोल जो 80 का है 100 का है, कल 120 होने वाला है, तो आज 100 रुपए में भी पब्लिक जाएगी 12 बजे से पहले और पटापट भरवा लेगी कि भाई उतने में भरवा लो, कल से और महंगा होने वाला है. सो इन दिस केस although द prices हैव risen टुडे, आज भी महंगाई है, कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर बिकॉज पता है कल और बढ़ने वाला है. So example which is given in your text is prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. So people go on purchasing more at high price as they expect ke Diwali mein aur prices badh jayenge. The very common best example about speculation is this. Pehchani liya hoga tumne. He was considered as the wolf of Bombay Stock Exchange, or he was also called as Wolf of Wall Street, because he was very smart speculator. Market ka trend patapat samajna aur profits kamana 2-3 saal mein and itna bada financial scam karna khane ka kaam nahi hai, arshad mein tha wo. So ek best example of speculation, how to earn maximum. All right, moving on to the next exception. So with this, the exceptions or limitations come to an end. तो बता सकते हो मुझे दो मिनट में क्या क्या याद है तुम्हें? Giffen's goods, prestigious goods, habitual goods, ignorance, future expectation, speculation, what else? Branded products, price illusion बोलते हैं. So in all these cases, the demand curve is exact opposite of law. That is, it slopes in an upward direction. And that is why it is called as an exceptional demand curve, because it is going against the law. So I hope class you must have followed. Aapko ye video beneficial lage. So please do like the video and share across the link with all your friends. And stay tuned and keep watching the channel for more updates and more videos on the subjects to come. So thank you so much class. Stay safe, take care, keep studying, and if any doubt, please let me know in the comments section. So thank you so very much for listening to me patiently.